मान लो कि आप कहीं से जा रहे हो और तभी आप किसी जीव को देखते हैं जिसे कि आपकी सहायता की जरूरत है, तो क्या आप उसे अनदेखा करके चलते बनेंगे? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही अनमोल पल दिखाएंगे जिसमें जानवरों को हम इंसानों की मदद की जरूरत थी और लोगों ने उनकी मदद भी की। ये गाय अनजाने में इस दलदल में घुस गई थी जिसे के इस ट्रैक्टर में बांधा गया और धीरे धीरे खींचा गया। और अगर ये गाय मानसिक रूप से ही हार मान लेती तो शायद आज बाहर ना निकल पाती। बेचारा ये कुत्ता गलती से इस तार में फंस गया था जो कि जितना ज्यादा जोर लगा रहा था उतना ही अधिक उलझ रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद जब वहां लोगों ने उसकी ऐसी दयनीय हालत देखी तो उन्होंने तार को काटकर उसे आजाद कर दिया। क्या आपने कभी किसी अजगर को पानी पीते देखा है? क्योंकि इस युवक ने तो अपनी पार्टी शाटी वाले गिलास में इसे पानी दे दिया जिसे कि ये देखते ही देखते पी गया। जरा इस कछुए को देखो जो अपने ऊपर एक अलग ही दुनिया बसाए घूम रहा है, जो कि इसकी शिकार बनने की संभावनाएं तो कम कर देता है पर ऐसे में इसे बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इन जनाब ने इसे साफ करने की ठान ली और जब इसके ऊपर से सब कुछ हटा दिया गया तो ये कछुआ कुछ ऐसा दिख रहा था। यहां ये बाज अपनी चोंच का अगला हिस्सा गवाकर बैठ गया था जिसके बिना तो ये कुछ खा भी नहीं पा रहा था। पर तभी कुछ विशेषज्ञों ने 3D प्रिंटर की सहायता से इसकी चोंच का इंतजाम कर दिया। कुछ लोगों ने इन ऊंटों के झुंड को रेगिस्तान के बीचों बीच रोक दिया और इन प्यासे ऊंटों को पानी भी दिया, क्योंकि पानी का अगला स्रोत 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था। और कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो इन गधों को -40 डिग्री में बाहर छोड़कर चला गया था? पर भला इन दो युवकों का जिन्होंने इन्हें खाना दिया और बर्फ में इन्हें बचाने और गर्म रखने के लिए तरपाल से काम चलाऊ एक छत भी बनाई। ये लोमड़ी भोजन की तलाश के समय इस चक्के में फंस गई थी और अब इसका इसमें से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था, जिसे निकालने के लिए इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की और अंत में ये लोमड़ी बाहर निकल ही गई। ये हाथी नहर के इस बांध में फंस गया था जो कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इसे निकलने के लिए पीछे की ओर जाना पड़ेगा। और क्योंकि ये सब भारत में हो रहा था तो लोग उसे जैसे तैसे दूसरी ओर ले ही आए और बाद में वो लोग अपनी इस जुगाड़ू पौड़ी से उसे नहर से बाहर निकालने में भी सफल हो गए। न जाने ये कुत्ता कैसे इस बर्फीली झील में गिर गया जो कि अगर ऐसे ही रहता तो थोड़ी देर में जम जाता या फिर इसे लकवा मार जाता। पर इन लोगों ने भी ठान लिया था कि इसे बचाकर ही दम लेंगे, जो कि अपनी खस्ता हालत नाव को धीरे धीरे उसके पास ले जाते हैं और किसी तरह से उसे निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं। गर्म तापमान में शरीर में पानी की कमी के चलते ये ज़ेब्रा कुछ ऐसे तड़प रहा था, जिसे बचाने के लिए इस रेंजर ने इसके शरीर पर पानी भी डाला। ये बिल्ली यहां बेसुध पड़ी थी जिसे के चीटियां काट रही थी, पर शुक्र है कि इन लोगों ने इसे देख लिया और इसे अपने साथ ले गए, जिन्होंने इसकी दवाई करवाई और इसे खाना भी दिया। और अब ये बिल्ली पहले के मुकाबले तो बहुत ठीक है। ये भालू इस डब्बे से कुछ खाने के लालच में अपना सर फंसाकर बैठ गया था जिसे के कुछ बचावकर्ताओं ने इसे बेहोश कर
इस डब्बे को कांटे से मुक्त किया था। ये वेल मछली खुले समुद्र में जाना चाहती थी पर पानी के जमने के चलते यहीं फंसकर रह गई थी, जो कि अगर यहीं रहती तो खुद भी जम जाती। पर इन लोगों की 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ये लोग इन्हें स्वतंत्र करने में सफल हो ही गए थे। और ऐसा तो केवल भारत में ही हो सकता है, जहां ये व्यक्ति जहरीले कोबरा को सीधा बोतल से पानी पिला रहा है। इस पफर फिश को समुद्रों के थपेड़ों ने किनारे पर लाकर पटक दिया था, पर शुक्र है कि इस महिला ने इसे देख लिया, जिसने इसे पुनः जल की गहराइयों में छोड़ इसकी सहायता कर दी। न जाने कौन इस कुत्ते को इतनी दर्दनीय हालत में बांधकर चला गया था। ये कांगल प्यासा था और मदद के लिए शायद कराह भी रहा था, और शुक्र है कि कुछ लोगों ने ना केवल इसे देखा जबकि इसके गले में बंधी रस्सी को भी काटा, और उसके बाद इसके लिए पानी का भी प्रबंध किया। भले ही बंदर बहुत ही ज्यादा शरारती होते हैं, परंतु यहां पर तो ये प्यासे बंदर किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ही मासूमियत से पानी पी रहे हैं। इस कुत्ते का मालिक इसे चिलचिलाती धूप में बाहर छोड़कर चला गया था, जो कि गर्मी से बचने के लिए इस गड्ढे में घुस गया, और शुक्र है कि इसका मालिक सही समय पर आ गया और इसके शरीर को ठंडक मिल गई। न जाने ये बलूंगड़ा यानी कि बिल्ली का बच्चा इस चलती सड़क के बीचों बीच कैसे आ गया, जिसे के जैसे तैसे बचा लिया गया और अब इसे एक नया घर मिल गया है। इन जनाब को झाड़ियों में कछुए के 2 बच्चे मिले, पर तभी इन्हें रास्ता भटके हुए कुछ और भी कछुए मिल गए, जिन्हें के इन्होंने अपनी टोपी में भरा और इसे खुले समुद्र में स्वतंत्र कर दिया। ये लोग तेज बहती नदी से कुछ खींचकर किनारे की ओर ला रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये एक हाथी का बच्चा है जो कि शायद से आज नदी में बह जाता, पर ये लोग किसी ढाल की तरह नदी और इसके बीच आ गए और धीरे धीरे इसे नदी पार करवाकर किनारे की ओर ले ही आए, जिसके बाद इसे इसके परिवार से भी मिलवा दिया गया। वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा पल सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।